थोड़ी है अभी, मामूली अभी नहीं आएगी, लेकिन हेड हेड पे आ जाएगी, अभी नहीं आएगी। यहाँ रख लो जा। और अंकल बस ठीक है जी, हिट में नहीं आ रही गुड़ी। हाँ ये हिट पे आई थी शायद बीच में। अच्छा ये नेचुरल, इनको कभी हिट पे आ जाए तो बोले छोड़ दो, कई दिन से मेरे पीछे लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो घोड़ा अपना है क्या? हाँ अपना है ना। अच्छा क्या नाम है घोड़े का? ये गुलफाम। गुलफाम, हाँ जी ओके। अरे घोड़ी की मेरे पास एक घोड़ा था। अच्छा गुलजार। हाँ हाँ। और वो जो गुलजार घोड़ा था वो अपने जो एक्चुअल में शेरखान जी के पास गुलजार था, उसका पोता था। अच्छा अच्छा, सावा वालों के पास, सावा वाली लाइन है। अच्छा अच्छा। और वो बच्चा मैंने गणेश लाल गुर्जर जो अपने हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, काकरोली वाले, काकरोली वाले, उनके यहाँ वो बच्चा पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके और ले लिया था। अच्छा। मुझे उन्होंने गिफ्ट ही किया था एक तरह से, ये बच्चा, वो नहीं इसका बाप। अच्छा इसका बाप। हाँ ओके ओके। वो बच्चा मैंने खूब अच्छा पाला और खूब अच्छा बना, यहाँ दो बार सारनखेड़ा में चैंपियन भी रहा। और उसके बाद में 2018 में मैं हज पे गया था। अच्छा। उस समय वो कोलिक में छूट गया ब्रदर। ओके ओके ओके। तो उसकी निशानी बस ये बच्चा और एक बच्ची थी जो मैंने राजस्थान दे दी, वो अपने एक दोस्त हैं, वो सिरोही ले गए वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक बच्चा बचा है बस। अच्छा ये वाला है ना। हाँ। तो ये मतलब कितनी उम्र का होगा अभी ये? अभी हो गया 4 साल के लगभग हो गया। 4 साल? हाँ 4 दांत है। अच्छा। 6 दांत नहीं करा, 3.5 साल से ऊपर हो गया। बोन स्ट्रक्चर इसका बहुत हेवी होता है। बोन स्ट्रक्चर गुलजार लाइन, अच्छी लाइन गुलजार लाइन में, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा तो कोई काम नहीं भैया, शौक से ही रखता हूँ मैं, कोई मतलब। सही है। ये नेचुरल तरीका है, ये नेचुरल तरीका है, इससे जो है नेचुरल अगर घोड़ी में कुछ है गुंजाइश तो हिट में आ जाती है। हिट पे आ जाती है, हिट पे आ जाती है। और प्रॉपर हिट पे आएगी तो फिर अभी मैं जैसे 1 सप्ताह हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा। तो ये कई दिन से बेचारे बड़वानी दौड़ रहे थे। अगर यही है, अगर हिट में आ जाती है तो मैंने कहा देख लो, चेक करा लो। सही है भाई साहब, का किराया बच जाएगा। हाँ उनको ये कि हमारा खाना नहीं पड़ेगा। सही है, सब चलता है यार घोड़ों में। हाँ यार बिल्कुल, सब घोड़े वाले, सब भाई घोड़े वाले भाई हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, जिनको पैसा नहीं कमाना है वो सबकी मदद करते हैं। सही है ये बात भी। नहीं तो फिर धंधे को। और सर कैसे हो? नाम कमाने का है। हाँ भाई नाम कमाने का, पैसे कमाने वाला तो किसी को नहीं छोड़ता। अपनी है क्या ये घोड़ी? ये दोस्त है इनके। अच्छा अच्छा सर। आओ आपकी है ना घोड़ी? आओ ना, आओ एक मिनट, आओ आओ आओ। क्या ये फर्स्ट टाइम ही है क्या इसका? फर्स्ट टाइम मीटिंग है। कितनी उम्र की है? 3.5 साल की। 3.5 साल की है। अच्छा अच्छा। रेट में नहीं आ रही है अभी ये? अच्छा हिट में लाने का तरीका तो आसान है। हाँ ये तरीका सोच रहे हैं कि बड़वानी नहीं जाना पड़े, नेचुरल तरीका है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आ जाएगी ये तो 2-4 दिन में मेरे ख्याल से। इंजेक्शन से अच्छा सबसे नेचुरल तरीका, सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है, सबसे जल्दी तरीका। तो हाँ अब शाम को दे दे, घुघरी दे देते हैं, 50 शाम को दे देते हैं। अभी अपन 1 सप्ताह है सारनखेड़ा में, सब भाई साथ में, 1 सप्ताह में तो आएगी, 1 सप्ताह में तो आएगी, आपका सब किराया बचा देंगे। बिल्कुल भाई जी।
तीसरे दिन ले। अच्छा उस्ताद जी से, सदीक भाई से पूछ लो। सदीक भाई भी बहुत जानकार है। हाँ सदीक भाई, ऐसा क्या जानकार है, ऐसा क्या देता है जो तीसरे दिन में हिट पे आ जाएगी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जानवर जो एक्चुअली जो जानवर है, अपन को पता है जानवर को कैसे भी करके अपने हिट पाना चाहिए बिना दवाई मेडिकल देने से। गेहूँ जो होते हैं ना, गेहूँ और चना, इसकी घुघरी बनाओ, उबाल के, उबाल के अच्छी बढ़िया घुघरी हो जाए, उसके अंदर 100-150 ग्राम गुड़, 50 ग्राम तेल सरसों का। शाम के टाइम आप 2-4-5 खुराक अगर घोड़ी को देंगे कंटिन्यू, 1.5-2 किलो के लगभग लमसम देंगे अपन, तो घोड़ी बिल्कुल आराम से हिट में आ जाएगी। वो लमसम निकाल देती घोड़ी, 5-6 दिन रखो बाकी घोड़ा उसको। अभी एक सप्ताह है, घोड़ा इनके पास ही है। हाँ बिल्कुल, मेले में काम हो जाएगा, मेले में काम हो जाएगा, किराया बच जाएगा भाई साहब का। और नहीं तो फिर बड़वानी आएंगे। सही है सही। नहीं नहीं बड़वानी देख के आए, यहीं पे हो जाएगी। चलो ठीक है सर।